पीएम मोदी के खिलाफ रची जा रही थी राजीव गांधी हत्याकांड जैसी साजिश। पुणे की धीरे भीमा कोरे गांव हिंसा केस में गिरफ्तार नक्सली नेताओं से मिले दस्तावेजों से खुलासा। पीएम मोदी की हत्या कराए जाने वालों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम भी लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जेएनयू छात्र संघ की पूर्व नेता शैला रशीद ने अपने ट्वीट में लिया था गडकरी का नाम। गडकरी ने अपना नाम लिए जाने पर कानूनी कार्यवाही की बात कही है। पीएम मोदी आज चीन के किंगडाओ शहर में शंघाई सहयोग संगठन एसजीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी मुलाकात। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोस्ट वांटेड बदमाश राजेश भारती को एक इनकाउंटर के बाद मार गिराया। राजेश भारती समेत इस इनकाउंटर में चार बदमाशों की मौत हो गई है जबकि एक बदमाश घायल है, वह एम्स अस्पताल में भर्ती है। इस इनकाउंटर में 8 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं जिनमें से 6 को गोली लगी है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने कहा पार्टी के ही लोग भाई भाई को लड़ाने में लगे हैं, पार्टी में मेरी नहीं सुनी जा रही है। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया भी अब कांग्रेस पार्टी और अपने पिता के सहयोग के लिए मैदान में नजर आते दिख रहे हैं। शिवपुरी में आए महाआर्यमन सिंधिया ने युवा संवाद कार्यक्रम में प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आर्यमन ने मंच से बोलते हुए कहा कि लोग झूठ बोलकर राजनीति कर रहे हैं, हमें इस बार प्रदेश में राजनीति का चेहरा बदलना है। इस दौरान महाआर्यमन ने युवाओं में जोश भरने के लिए एक गाना भी सुनाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों के यौन शोषण और हिंसा की खबरों से सनसनी फैल गई है। इसका खुलासा मुंबई की प्रतिष्ठित संस्था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने अपनी सोशल ऑडिट रिपोर्ट में किया है। टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के आधार पर जिला बाल कल्याण संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक ने महिला थाने में बालिका गृह का संचालन करने वाले एनजीओ के कर्ता धर्ता और पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मुंबई और इससे सटे ठाणे कोंकण इलाकों में अहमदनगर परभनी और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में मॉनसून के पहुंचने से भारी बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते अलग अलग जगहों पर महाराष्ट्र में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लातूर में एक बुजुर्ग बह जाने से, ठाणे में मछुआरे की करंट लगने से और ठाणे में ही बारिश के चलते सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मुंबई में भी भारी बारिश के चलते दहिसर इलाके में 14 साल की बच्ची के ऊपर नारियल का पेड़ गिर जाने से मौत हो गई। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में बारिश ने तबाही मचाई हुई है तो दूसरी तरफ पुणे के रणमाला गांव में आया चक्रवाती तूफान। दावा किया जा रहा है कि इस तरह के चक्रवात को पहली बार भारत में कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। सेंटर फॉर सिटीजन साइंस की टीम ने इसकी पड़ताल की तो इसे सही पाया गया। इस चक्रवात ने करीब 1 किलोमीटर के दायरे में तबाही मचाई, इसे कच्चे घरों की छत को भी चक्रवात में उड़ गए। चक्रवात के बाद तेज बारिश भी हुई। आज मुंबई समेत कोंकण और गोवा में भारी बारिश जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। केरल, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के कटनी में हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो जाने से भीग कर बर्बाद हो गया। खराब मौसम की सूचना होने के बावजूद भी गेहूं को बारिश से बचाने के लिए जिला विपणन संघ और प्रशासन ने नहीं किए कोई इंतजाम। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। यहां अनाज को भारी बारिश से बचाने के लिए पहले से कोई प्रबंध नहीं किया गया जिससे खुले में रखा कई क्विंटल अनाज बारिश की भेंट चढ़ गया। तेज बारिश के चलते भोपाल के लखेरापुरा में पहली बारिश में ही दुमंजिला पुराना और जर्जर मकान भरभराकर अचानक गिर गया। इस मकान के नीचे खड़े कई वाहन भी दब गए तो वहीं मकान के अंदर रहने वाले परिवारों को जैसे तैसे सीढ़ियों से उतारा गया। जर्जर मकान गिरने से पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के मेरठ करनाल हाईवे पर एक महिला के पर्स छीन कर भाग रहे बदमाशों को महिला के चीखने पर राहगीरों ने जमकर पीटा। पिटाई के बाद खून से लथपथ बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बिहार के औरंगाबाद में एक शख्स की लाठी और लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। घटना परमा गांव की है जहां बच्चों के क्रिकेट खेल में हुए झगड़ों में खूनी रूप ले लिया। इन बच्चों के अभिभावकों ने इस झगड़े को रोकना चाहा तो दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया। बिहार के छपरा में पीजी की परीक्षा में नकल रोकने पर बवाल, गुस्साए छात्रों ने धक्का मुक्की की और पथराव किया। 6 छात्र निष्कासित किए गए और 3 को हिरासत में लिया गया।
टेनिस के वर्ल्ड नंबर वन राफेल नदाल की नजर 11वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने पर, आज मेन सिंगल्स के फाइनल में डोमिनिक थीम से होगा खिताबी भिड़ंत। फुटबॉल के इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में भारत का मुकाबला केनिया से होगा, रात 8 बजे मुंबई में खेला जाएगा मैच। महिला T20 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में आज भारत की भिड़ंत बांग्लादेश से होगी, सुबह 11:30 बजे से कुआलालंपुर में खेला जाएगा मैच। बेंगलोर के NCA में टीम इंडिया के खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट शुरू हुआ, कई खिलाड़ियों ने दिया ये टेस्ट, टेस्ट सीरीज से पहले सभी खिलाड़ियों को देना होगा टेस्ट फिटनेस टेस्ट। अफगानिस्तान के पूर्व कोच इल्जमामुल हक के टीम इंडिया को दी चेतावनी, टेस्ट मैच से पहले कहा अफगानिस्तान की टीम के खिलाड़ियों का जोश टीम इंडिया के अभिनव की बराबरी करेगा। इस साल BCCI के 2 खिताब जीतने वाले जलज सक्सेना ने बोर्ड के सिलेक्शन प्रक्रिया पर सवाल उठाए, कहा 4 साल में 3 बार बेस्ट ऑलराउंडर का खिताब मिला लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया ए में जगह नहीं मिली। अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश रचे जाने का बड़ा खुलासा, सलमान खान की हत्या की ताक में था सुपारी किलर संपत नेहरा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सुपारी किलर है संपत नेहरा, काले हिरन के शिकार मामले में कुछ दिन पहले ही लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी दी थी, गुरुग्राम STF ने संपत को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। हाल ही में आलिया भट्ट के किए गए एक ट्वीट पर आलिया को क्यूट बताते हुए बिग बी ने निकाली उनकी गलती, दरअसल आलिया ने अपने ट्वीट में क्यूज को QUES लिखा था। एक इंटरव्यू में सलमान खान ने बताया अनिल कपूर को बॉलीवुड का सबसे एनर्जेटिक एक्टर, अमिताभ के रिप्लेसमेंट के सवाल पर सलमान ने कहा अमिताभ को सिर्फ अनिल कपूर ही कर सकते हैं रिप्लेस, सलमान और अनिल दोनों रेस 3 में नजर आने वाले हैं। सलमान खान की फिल्म रेस 3 का नया गाना लॉन्च हुआ, गाने के बोल पार्टी चले ऑन रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया ये गाना, गाने में सलमान खान फिल्म की सारी स्टार कास्ट के साथ नजर आ रहे हैं। अर्जुन कपूर ने दिया जानवी कपूर और खुशी कपूर से अपने रिश्ते पर बयान, ट्विटर पर लिखा मैं और अंशुला दोनों माँ को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ होती तो इस समय पापा जानवी और खुशी को साथ देने को कहती। ये है ABP News, आपको रखे आगे।